नॉर्मली भी लग रहा था हम किसी मीडिया मीडिया से आए कैमरा वैमरा लेके। आई होप यू कैन हियर मी। और यहाँ की ना मटर की चाट बहुत फेमस है, ग्रीन मटर होती है ना। और यहाँ मैं इकलौती कैमरा लेके चल रही हूँ, मेरे को वियर्ड लग रहा है कैमरा चलाते हुए, लोग मुझे घूमे औरत कौन है। और कहाँ आजकल बाहर हो गया गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्रीति और ये है कबीर, एंड आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। क्यों कैमरा इधर है? हेलो, उधर कैमरा नहीं है, ये गाड़ी में बैठ के खिड़की को बाहर ही देखता रहता है। तो गाइज, हम शादी वादी ख़त्म करके सब ओके, अभी हम आए हुए हैं शशांक के घर, दैट इज़ एट माई इन लॉस प्लेस। और आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे चाट बहुत फेमस है। ऑफ कोर्स जो लोग नॉर्थ साइड से होंगे या इंडिया से, उनको पता होगा यूपी की चाट कितनी फेमस है। तो मेरा हाँ इन लॉस का घर है मेरठ में, द वेरी फेमस प्लेस, बॉलीवुड में बहुत बदनाम है मेरठ। तो हम आज निकले हैं चाट वाट खाने, बट उससे पहले थोड़ी गाड़ी में हवा भरवा लेते हैं। यहाँ पे तो इजी होता है, हवा चेक करने वाले भैया होते हैं वो कर लेते हैं, कनाडा में तो खुद ही करनी पड़ती है। एक्चुअली हमारा एक एक्सपीरियंस है जिसमें हमने हवा चेक कराई थी और भरवाई भी थी, भरवाई हाँ भरी भी थी और चेक भी करी थी, कम थी हवा। बट यहाँ तो सब काम ईजिली हो जाता है इंडिया में। और एक्चुअली इतने आराम की आदत पड़ गई है यहाँ के, कुछ खाना नहीं बनाना, कुछ काम नहीं करना, कभी का ध्यान रखने के लिए लोग हैं, कभी की पॉटी भी कम साफ करनी है, ये सब। बट वापस कनाडा जाने का टाइम आ चुका है थोड़े दिन में, और फिर ये सब खुद करना पड़ेगा। तो गुगू कैसे करेंगे, अब आदत छूट गई मेरी तो एक महीने में, ओफ बट कर ही लेंगे एनीवे। तो मौसम अच्छा है, ठंड है यहाँ पे, फॉग भी बहुत है, स्मॉग भी बहुत है, तो ऐसा ऐसा चल रहा है, बट ठीक है चलो। एयर पोल्यूशन भी बहुत है। You want to say something to everyone? Hi everyone, long time no see. Hi. ऐसे आँखें चुरा चुरा के क्यों देख रहे हो? और अभी इतना स्मार्ट हो गया ना, कभी घर से निकलो तो उसे पता चल जाता है मम्मी पापा जा रहे हैं, इसको हम छोड़ के आने वाले थे कि आराम से व्लॉग कर लेंगे, बट इसे पता चल गया हम जा रहे हैं क्योंकि मैंने जैकेट पहन ली, शांगे जैकेट पहन ली, जूते वूते पहन लगे, तो उसे पता चल जाता है। और बस ने शोर मचा दिया, इसको भी लेकर आना पड़ा, अदरवाइज हम आराम से व्लॉगिंग करने वाले थे। ठीक बताए आपको, बट आप बहुत स्मार्ट हो गई हो, मैंने देखा है, बड़ी बड़ी हो गई हो आप। हाँ पता चल जाता है आपको मम्मा डैडा जा रहे हैं, बाहर देखता रहता है, बाहर एक्चुअली ये ऐसे लोग हैं ना उनको देख रहा है। क्या देख रहे हो आप? गाड़ी खोल रहा है, ये भी पता है तुझे गाड़ी कहाँ से खुलती है? बहुत स्मार्ट हो गया है तू, देख ना गाड़ी खोलने में बच्चे का दिमाग पहुँच चुका है हमारे। किसने सिखाया आपको ये? मैंने तो कभी सिखाया नहीं, अपने आप सीख लेते हो आप ये सब बातें। अरे गोगू गाड़ी खोलने में सीख लिया आपने गोगू? ठक 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 गोगी, हिप्नोटाइज हो गए हो क्या लोगों को देख के? यहाँ पे कनाडा में तो दिखते नहीं आपको, यहाँ पे ऐसे लोगों को देख के आंखें बिल्कुल स्टिक हो गई है, नो आई बॉल मूवमेंट्स ऑल्सो। अरे कमाल हो गया, तो पंचर हो गया क्या? अबे यार मैं एक्चुअली सोच रही थी इतने दिन से गाड़ी खड़ी है। पंचर है भी हो ऐसी बोल रहा है? दूसरी वाली दुकान सही है ना, उस पर चेक करा ले। बैठेगा कि नहीं, तो इसलिए बड़ा हो गया ना, वो कार सीट अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। बस भूल मत जाना गुड्डू, आपके पास कार सीट है। अच्छा ओके, तो ये एक्चुअली बहुत बिजी मार्केट है यहाँ का, इसे कहते हैं बेगम पुल। यहाँ गाड़ी पार्क करने की, खड़ी करने की भी जगह नहीं होती है। आई होप यू कैन हियर मी। और यहाँ की ना मटर की चाट बहुत फेमस है, ग्रीन मटर होती है ना, उसको कुलचे के साथ खाते हैं, इट्स लाइक सुपर फेमस।
मतलब मेरी दादी वादी का घर भी यहाँ होता था जब हम बहुत छोटे थे, बहुत बहुत छोटे, तब हम आते थे और ये वाली चाट खाते थे। और अब मेरा ससुराल ही यही है, तो हम आए यहाँ पे बेगमपुर की मटर की चाट खाने। तो अगर आप मेरठ से हो, डू लेट मी नो, आपको ऑफकोर्स पता होगा, बट कॉमेंट करके ज़रूर बताना बेगमपुर की चाट के लिए। तो अभी ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे जनरली ना बहुत भीड़ होती है और 3:30-4 बजे तक चाट ख़त्म भी हो जाती है, बट अभी मुझे लग रहा है इनके पास चाट अवेलेबल, तो अभी ऑर्डर करेंगे। और शाम उधर करें पार्क, क्योंकि यहाँ पार्क ही नहीं मिलती है, गाड़ी वाली पीछे गाड़ी पार्क हो रही है। आप भी खाओगे? पहले ना जीसी कुलचे यूज करते थे लोग, अभी दूसरे वाले कुलचे। ये लोग 10 रुपए के कुलचे ना दो तो मटर 10 रुपए की, 30 रुपए की। अच्छा कुलचे 20 रुपए के। तो गाइस ये है मटर कुलचे, बहुत ही स्वाद है। हमने मीडियम स्पाइस रखवाया है, ज़्यादा नहीं, और भी तीखा आप खा सकते हो। चुईया घूम रही, चुईया छोटी सी चुईया घूम रही है, ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पर। मुझे पता है हल्दीराम में चुईया देखा था, चुईया नहीं बहुत बड़ा चूहा घूम रहा था हल्दीराम खाने का, तो हो गई होगा यार। फिर भी यार हल्दीराम में चूहा कॉमन है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एक्चुअली। वो दुकान वाले भी लग रहा था हम मीडिया से आए कैमरा वैमरा लेके दुकान में शूट कर रहे थे, बोले इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो, मुझे लग रहा था वो ऐसे देख रहे थे बार बार। एक बार बनाते हुए हाँ वो किसी और की चाट बना रहा बना रहे कभी रात नहीं खा सकते, अनहेल्दी, नॉट फॉर यू। आप दूध पी के आए वैसे भी है ना? हाँ आते हैं, इससे इंटरेस्ट भी दिखाया है, खाना भी नहीं है। बस 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 अच्छा ठीक है। ताई 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 क्या हुआ? अभी तो बातें कर रहे थे आप, क्या हो गया? अब मुंह नीचे कर लिया ऐसे? ओह हाँ बबू ताई ताई कैमरे ये आगे नहीं, मैं बोलूँगा कुछ भी कर लो, नो नो टॉक्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अभी तो ताई 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 कटा था, पता नहीं मुझे कौन से लेफ्ट साइड पर लगी, राइट तो पीछे है, बैक करते हुए ये साइड का तो मतलब ही लग, तो फिर वो तो लगी नहीं ना एक्चुअली, गाड़ी भी लग गई हमारी, यहाँ जगह तो होती नहीं, ऐसी पतली पतली सी गलियाँ होती है, बट कुछ हुआ नहीं, हल्का सा पीछे से ऑटो वाला आ गया था। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, इसको कैप तो पहना दो, वैसे इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल है, हाँ जैकेट तो मोटी है। वो कैसा लग रहा है, ये कितने मच्छर घूम रहे तेरे सर के ऊपर, कैप पहन लेती तेरे, मेरे सर के ऊपर तो मोटे मोटे मच्छर है, बहुत ही मोटे मोटे मच्छर। चलो पीछे जाना है, पीछे हो गए दुकान शिफ्ट, लेट्स गो लेट्स लेट्स गो। यहां पे भी मतलब काफी भीड़ है, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का बना रहा है वो, पनीर टिक्का। अरे मेरे को गोलगप्पे की दुकान पे जा रहा है ना, अंदर ही आएगी वहां ट्राई कर लेंगे, बट डेरा वाले क्या जाना ना, डेरा वाले जा रहे हैं यार, तुमने दुकान ही चेंज कर दी है, भाई कोई नई दुकान पे जा रहे हैं, ट्रेन वाली शॉप आई है, ट्रेन वाली का थोड़ी खाना है, बता रहा हूं यहां मार्केट ही मार्केट, दुकान ही दुकान है, ये दिखाने वाली चीज है ना इसलिए। और यहां मैं इकलौती कैमरा लेके चल रही हूं, इंडिया वर्सेस कनाडा, इसको ले लो शूट से, इंडिया वर्सेस कनाडा यार, बंदे और बंदा, ये ट्रैफिक है मतलब इतना, इंडिया वर्सेस कनाडा इसका ले लो शूट ले लो।
डर लग रहा है कैमरा चलाते हुए, लोग मुझे घूम रहे हैं, औरत कौन है कैमरा लेते हुए जा रही है जो। कैब लगाओ गुगू। शशांक ने इतना मेरठ मुझे शादी के 6 साल तक तो घुमाया नहीं है, बट आज पता नहीं कौन सी अनोखी अंदर अंदर वाली दुकान पे जा रहे हैं हम टिक्की गोलगप्पे खाने, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत अच्छी दुकान होनी चाहिए। अभी तक मैंने वो कोई दुकान एक्सप्लोर नहीं करी है, जैसे फर्स्ट टाइम की पता चला है वो अच्छी दुकान है। चलो ब्लॉगिंग के बहाने वो दुकान भी एक्सप्लोर कर लेंगे। बट 6 साल में नहीं खिलाया था मुझे वहाँ पे गोलगप्पे टिक्की कुछ भी। चलो 5 साल 1 साल तो कनाडा थे। लेट्स गो। हे भगवान, काफ़ी वॉक करना पड़ रहा है। ये खट्टा है, खट्टा है, आप खाओगे इसको दे दो, ये मीठा बनाओ, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। ऑल्टरनेट करेंगे आप कितने, एक प्लेट में 5 कितने ये प्लेट 20 के देने वाले का। हाँ जी यार, बड़े और लेना खाली फिर आप सफाई होती है जब जब हेलो, तेरी आवाज कट रही है, टिक्की करा रही है, गर्मा गर्म टिक्की तो बहुत बड़ी है, 3 घर के लिए पैक करा लेंगे वो तो ठीक है। ये कौन खाएगा? ये तुम ही खाओगे और कौन खाएगा, खाओ ना अच्छे से। सो गाइस, इतना चाट वाट खा के गोलगप्पे सब पेट ही भर गया। टिक्की मैंने पूरी खाई, 2 प्लेट गोलगप्पे शशांक को मैंने शेयर करे, और फिर मटर की चाट भी काफ़ी खाई, तो अभी के लिए तो फुल हो गया। बाकी आपको बाकी यहाँ के चाट किसी और ब्लॉग में दिखाएंगे, आज हमारी कैपेसिटी नहीं और खाने की। एक्चुअली अभी इससे पहले हमने सोचा था शशांक की सिस्टर भी आती, बट वो भी यहाँ है नहीं मेरठ, तो इसलिए हम दोनों को आना पड़ा, नहीं तो फिर हम आपको ज़्यादा खाना दिखा पाते। यहाँ का मार्केट काफ़ी भरा हुआ है, वैसे मैंने तो एक्सप्लोर नहीं किया था आज तक यहाँ का मार्केट, बट आज ही करा है। काफ़ी भीड़ भी है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे बंस लेने, यहाँ पे एक बहुत अच्छे बंस मिलते हैं, जब भी हम लोग मेरठ आते हैं वो बंस ज़रूर खाते हैं, एंड 2-3 बार खाते हैं, तो एक बार तो हम खा चुके हैं। और अभी हम फ्रेश लेने जा रहे हैं वो वाली शॉप पे, अल्फा करके उस दुकान का नाम है, वो ब्राउन बन बनाते हैं, थोड़े से स्वीट होते हैं, बट मक्खन लगा के सुबह हल्का सा टोस्ट करके बहुत यम्मी लगते हैं वो बंस, स्पेशली विद चाय। कितनी दूर है दुकान? नहीं भाई, पेट में जगह कहाँ है, आई एम सो फुल, कुल्फी कुल्फी की जगह नहीं मेरे पेट में अब। आई होप बन वो ख़त्म हो जाते ना उसके जल्दी। हाँ मतलब वो 2-3 बजे बन बनाता है और उसके ख़त्म भी जल्दी हो जाता है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। कहाँ गई दुकान, तो इतनी छोटी छोटी दुकान है ना, एक स्टार्ट करो दूसरी ख़त्म भी हो जाती है, ऐसे तो यहाँ पे है। ब्राउन वाले बने दे दो, 4 दे दो, 4 ब्राउन बन दे दियो, आज ही ताजे ना बिल्कुल। और कहाँ आजकल बाहर हो गया, भैया भी कनाडा से आया, अभी आज ही तो नहीं ब्राउन बन हमने ले लिए, बट यहाँ पे एक भैया थे, मतलब दुकान वाले भैया जानते हैं, बट उनके शॉप के बगल में एक शॉप पे वो वहाँ पे भैया जो है वो भी कैनेडा रहते हैं हैमिल्टन, तो वो भी मिल गए, एंड वो रियल्टर है, ऐसी बात हुई तो पता चला। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा उनसे मिलने, उन्होंने कहा आ जाओ दुकान पे, आ जाओ बात करते हैं, तो फिर उनसे मिलते हैं, बट ऐसी कनेक्शन रहता है, यू नेवर एक्सपेक्ट बगल में हैमिल्टन वाले लोग मिल जाएंगे। हाँ माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। एक्चुअली हम उन भैया से मिलने गए थे, अच्छे लोग हैं, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी बेटी भी है 3 ईयर्स की, और वो हैमिल्टन ही रहते हैं, और हम लोग गल्फ, विच इज़ क्वाइट नियर, और एक हमें कॉमन कॉन्टैक्ट भी मिल गया इसी बातों बातों में, बिल्कुल यू नेवर नो। नहीं यार मेरा पेट भर रहा है, बंटा पेट अच्छा हो जाएगा, नहीं बंटा में नहीं, ठंड हो रही है बंटा, रहने दो, तुम्हें पीना है
नहीं आई एम फुल, तुम्हारी टिक्की पैक है और कितना खाओगे। और अब हम जा रहे हैं घर। शशांक मेरी सारी कॉन्वर्सेशन ही काट देता है, मैं बता रही थी ना आप लोगों को। बट एनीवे हम वापस जाएंगे कनाडा, शायद दोबारा मिले उनसे, नंबर वंबर भी हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिए। अब गाड़ी की तरफ जाते हुए सामान पैक करा लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। ओह सो ही है, बस अब हम घर पहुंच गए हैं, कभी भी सो चुका है। लेट्स गो इनसाइड। कभी नहीं 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 काटी हो, चलो चलो चलो, लो पकड़ो इसे शशांक, पकड़ दो, लो सो रहा है ये। नहीं जैकेट उतार के सुलाना पड़ेगा, लाओ मैं सुला दूँ। सामान भी तो उधर से निकाल लो गाड़ी में से। चलो चलो नहीं नहीं टाइम है वो अभी नहीं 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 टाइम हो गया, दो बार नहीं नहीं करके उठ चुके हो आप, फिर आओ चलो चलो नहीं 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 नीनी कौन करेगा टिकी, अरे आधे अधूरे कपड़े पहन के बटन कहाँ गया, ये बटन किसने तोड़ा, अरे बटन अपने आप टूट गया ना, बटन कैसे टूटा मामा, बटन कैसे टूटा बोलो। चलो नीनी करो, चलो चले। सो गाइस कबीर को सुला के मैं भी लेट गई हूँ, और यहाँ पे कंबल में सोने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि ठंड बहुत होती है अंदर, हीटेड तो होते नहीं अगर तो, अंदर काफ़ी ठंड होती है, एंड कंबल के बिना देर इज़ नो लाइफ। सो आई एम एन्जॉइंग माई ब्लैंकेट। यहाँ पर लैपटॉप खुला हुआ है, कुछ काम चल रहा है पैरेलल में, कुछ वीडियोज़ इंस्टाग्राम रील्स ये सब कर रही हूँ, काफ़ी कॉन्टेंट है जो आपके साथ शेयर करना है। वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे, व्लॉग्स भी आते रहेंगे, कुछ कुछ और कॉन्टेंट मैंने बनाया इंस्टाग्राम पर, आप हमें फॉलो कर सकते हो। लिंक इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे है, आप चेकआउट कर लो, दो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं हमारे। एंड या आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग स्पेशली फ्रॉम मेरठ, कि हमने क्या क्या खाया इंडिया आके। बट अच्छा है यहाँ की चाट वाट, मैं बहुत मिस करती हूँ कैनेडा में, वहाँ पे मिलती तो है बट ऐसा मज़ा नहीं आता कि गरम गरम टिक्की मिल रही है, गोल गप्पे तो भाई ऐसे मिलते ही नहीं है, तो जब तक हैं खा लो। तो मैंने गोल गप्पे सातवीं आठवीं बार खा ली होंगे जब से हम आए हैं, लाइक फोर वीक्स। तो यही है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, आप लाइक भी कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।